हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि मैंने जिम क्यों छोड़ दिया। देखिए, जिम छोड़ने का जो मेन इशू है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि जिम जो है हम लोग क्यों करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जिम हम लोग क्यों करते हैं। जिम करने का बहुत सारा रीज़न है। हर एक इंडिविजुअल का जो है अपना अपना जो है सो माइंड सेट होता है, उस हिसाब से वो लोग जिम करते हैं। जैसे कि अगर आप देखिएगा तो सिंपली सभी लोग जो है सो कोई लोग जो है सो रिप्ड होने के लिए वर्कआउट करते हैं, कोई वेट गेन करने के लिए, कोई वेट लॉस करने के लिए, और कोई श्रेडेड और स्थेटिक बनने के लिए जो है वर्कआउट करते हैं। तो मेरे केस में देखिएगा तो मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ उसका मेन रीज़न है कि मुझे श्रेडेड रहना है। तो उसके लिए क्या है कि मुझे बल्क नहीं होना है, और आई नेवर थॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग। सो क्या है कि मेरे केस में आप देख सकते हैं कि मैं ना बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा हूँ, सिंपल सा मतलब एक फिजिक मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि एक श्रेडेड रहे। तो क्या आता है कि श्रेडेड रहने के लिए क्या हमको जिम जाने की ज़रूरत है? तो देखिए, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ श्रेडेड होना चाहते हो, और अगर आप जो है सो बॉडी बिल्डिंग में नहीं जाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा जिम जाएं। तो उस केस में है कि आप तो फिर हम जो जिम क्यों नहीं जाते, तो इसका यही सॉल्यूशन यही बात है कि मैं जो जिम नहीं जाता हूँ कि मुझे अगर श्रेडेड रहना है, अगर आप एक्सरसाइज के टेक्निक को जानते हैं और बहुत सारे वर्कआउट को जान रहे हैं कि कौन सा वर्कआउट करेंगे तो किस मसल्स को हीट करेगा और कैसा हम लोग का ग्रोथ होगा, तो उस हिसाब से क्या है कि उसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको हमेशा जिम जाएँ। और वो जो है आप घर पे रह के कर सकते हैं। अगर आप जो है सो मतलब बस आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा एक्सरसाइज करने पे कौन सा मसल्स ग्रो करेगा, और अगर हम लोग जो है सो उस हिसाब से चीज़ों को अप्रोच कर सकते हैं। तो फिर मैं वही बोलूँगा कि देखिए, जैसे कि मेरे केस में क्या होता है कि मैं स्टेडी रहने की कोशिश करता हूँ, और स्टेडी रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जिम का, और स्टेडी रहने के लिए जो बहुत सारा वर्कआउट है जो कि कैलिस्थेटिक बोला जाता है उसके अंदर में आता है। तो कैलिस्थेटिक में सिंपल सा हम जो वर्कआउट फ्री वर्कआउट करते हैं, पुशअप पुलअप चिनअप ये सब आता है कैलिस्थेटिक में। तो वो चीज़ें मैं ज़्यादा प्रीफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने में मसल्स को भी जो है सिर्फ स्ट्रेडी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उसको बहुत ज़्यादा बल्क करने की कोशिश में बिल्कुल नहीं रहता हूँ, और जो है मैं नेचुरल जो है सो बॉडी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा हूँ, उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और जिस वजह से क्या है कि आपको जिम अगर नहीं भी जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिम नहीं जाएँ, जैसे मैं नहीं जाता हूँ जिम, तो आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं अपने फिजिक को। तो आप जो है सो बस ये चीज़ आपको रखना है कि आप जब भी वर्कआउट करें तो आप जो प्रॉपर एक्सरसाइज जो किस मसल्स को हिट कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। अगर हम चेस्ट वर्कआउट कर रहे हैं तो चेस्ट के लिए कौन सा एक्सरसाइज है, और इंक्लाइन पुशअप लेना है, डिक्लाइन पुशअप लेना है, और चेस्ट के लिए अगर हमारे पास अगर हमको जो है सो चलिए हम लोग अगर इक्विपमेंट का भी यूज करना चाहते हैं, इनकेस अगर कोई डंबल का यूज करना चाहते हैं तो वो भी इंक्लूड को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने वर्कआउट में। तो बहुत सारे चीज़ को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसके लिए अपना जो है एक मेथड डेवलप करेंगे जो कि इम्प्रोवाइजेशन होगा। तो वो चीज़ें क्या, उसके लिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको जो है सो फिटनेस में क्या चीज़ें हम जो है एक्चुअली अचीव करना चाहते हैं, और क्या हमारा जो है सो गोल है। एक्चुअली आपका जो गोल जब डिसाइड हो जाएगा कि हमको बस यहीं तक रहना है और ये करना है, तो सिंपली आप जो है सो जो नहीं करना है डोंट्स को जो है सो आप उसको ईजिली जो है सो रिमूव कर दोगे। एक्चुअली क्या होता है, इस चीज़ को समझने में आपको एक्चुअली जो है सो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर्सनल बेसिस पे हम लोग करते हैं। और भी एक चीज़ है कि अगर आप जब भी वर्कआउट का अप्रोच करते हैं ना, तो आप देखिए कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, सारे लोग का जब वर्कआउट करने जाते हैं तो सबका अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है। जैसे कि मैं अपना स्ट्रेंथ बताऊँ तो मेरा स्ट्रेंथ है श्रेडेड। तो आप श्रेडेड रहने के लिए कौन सा वर्कआउट करना है, अपने बॉडी को कितना अधिक श्रेडेड रखना है, उस पर हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। आप उस हिसाब से जो है चीज़ों को अप्रूव कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में अपने आप को हमेशा श्रेडेड रखने की कोशिश करता हूँ। आप जैसे क्या है, आपका कौन सा स्ट्रेंथ है, देखिए हर एक लोग का जो है ना मसल्स का जो है सो फैब्रिक अलग अलग होता है। जैसे हम लोग बात भी पहले किए हैं एंडोमोर्फ और जो है सो एक्टोमोर्फ और मेसोमोर्फ। तो बहुत सारा जो है सो वर्क मतलब मसल्स का टाइप है जो आपका मसल्स किस में लाइक करता है, और उस हिसाब से आप जो है सो डिसाइड करें कि आपका स्ट्रेंथ क्या है। देखिए हर एक लोग का हर एक स्ट्रेंथ होता है। जैसे कि मेरा अगर आप स्ट्रेंथ देखिएगा तो श्रेडेड है। अगर आप श्रेडेड नहीं होना चाहते तो आपका स्ट्रेंथ कुछ दूसरा होगा। हो सकता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जब आप बेंच प्रेस लगाए, या अगर जब आपका चेस्ट जो है सो बहुत अच्छा हो, या फिर आप उस हिसाब से जो है सो आपको अपना जो है सो नीस जो है सो सेलेक्ट कर लेना है। अगर उस पर आप काम करिएगा तो कहीं ना कहीं वो आपको जल्दी ज़्यादा बेनिफिट होगा, बकायदे मतलब रिलेटिवली कि आप जो है सो उस दिशा में जाए कि आपको श्रेडेड बनना है। अगर आपका स्ट्रेंथ है तो आप जो है स्ट्रेंथ वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करें, रिलेटिव कि आपको श्रेड होना है तो आप अपने मसल्स ग्रुप को देखें कि वो एक्चुअली कहाँ पर जो है सो वर्कआउट करूँगा तो मेरे मसल्स के लिए और मेरा जो इंटरेस्ट भी है उसमें लाइक करता है, और उस हिसाब से हमको ग्रोथ चाहिए। तो हर एक इंसान का मसल्स ग्रुप मैंने फिर भी बताया था आपको कि अलग होता है, और हर एक का स्ट्रेंथ लेवल भी अलग होता है।
तो देखिए जो ज़रूरी नहीं है कि अगर जो आदमी शरीर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा जब वो वर्कआउट करने जाएगा, अगर वो बेंच प्रेस लगाएगा तो ज़रूरत नहीं कि आप जितना बेंच प्रेस कर रहे हो उतना बेंच प्रेस वो कर लेगा। बाकायदे कि वो मोर शरीडेड है आपसे, बस हो सकता है कि वो स्ट्रेंथ में आपसे मतलब बेटर नहीं हो। तो हर एक आदमी का अपना अपना स्ट्रेंथ है, आप अपने स्ट्रेंथ पर काम करना, आपको इसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि मेरा स्ट्रेंथ कहाँ पर है। तो इस चीज़ को जो है सो अगर आप जितना जल्दी डिसाइड कर लीजिएगा ग्रोथ जो है सो बहुत ज़्यादा होगा, और आपको एक मालूम चल जाएगा कि हमको एक्चुअली इस फील्ड में कहाँ पे स्टैंड करना है और कहाँ रहना है। तो ये चीज़ अगर जितना जल्दी आप डिसाइड कर लीजिएगा उतना बेटर होगा। बिकॉज क्या होता है ना कि हम बहुत समय जो है सो वर्कआउट करते हैं लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि हमको अपने वर्कआउट को कहाँ स्टॉप करना है। अब जितना जल्दी उसको आप ये समझ जाइएगा कि इसको हमको यहीं तक रखना है और इससे आगे हमको नहीं जाना है, तो उतना आपको ये समझ चल जाएगा कि हमको अपने आप को कहाँ पर होल्ड करना है और हमको कहाँ पे वर्क करना है और जो कौन सा वर्कआउट करना है जो हमको एक्सटेंसिवली करना है, हमको उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपका। बिकॉज देखिए आपका जो है एनर्जी रहता है ना हर एक इंसान का, तो वो एनर्जी का कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है सो एनर्जी को जो है सो डिफरेंट डायरेक्शन में जैसे डिफरेंट वर्कआउट्स में जैसे जो मेन बॉडी ऑर्गन्स है उसमें आप इंक्लूड कीजिए। जैसे इन केस की जैसे आपको थाई ग्रो करना है, आप जब थाई ग्रो करने दीजिएगा तो आप फिर जब नेक्स्ट वर्कआउट करिएगा तो आपको जो है एनर्जी का जो है सो मतलब जो है सो थोड़ा सा लैग फील है कि जब थाई वर्कआउट है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। अगर आप मेरे ही केस में देखिएगा तो मेरा थाई जो है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन करता हूँ तो कहीं उस पर मैंने काम किया हुआ है तो वो आपको विजिबिलिटी दिखेगी अच्छी उसकी भी। लेकिन क्या है कि जो एक मेन ग्रोथ है आपको उसके लिए जो है सो ये जो गेम रहता है ना इसमें अगर आपको जैसे अच्छा फिजिक बनाना है और ये चीज़ें आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एनर्जी पे और डाइट पे। अगर जैसा साइंस भी बोलता है ना कि वर्कआउट जो है सिर्फ और सिर्फ 25% और 25% वर्क करता है और जो रेस्ट जो है 75% वर्क जो है आपके डाइट का होता है। तो आपको इस चीज़ को समझना है कि डाइट जो है सो मोर इम्पोर्टेंट है वर्कआउट से। अगर आप डाइट सही नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं जो है सो ये चीज़ें इनिशियली देखिए अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप जनरली हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं वर्कआउट करना तो हम लोग समझते हैं कि जितना वर्कआउट कर लेंगे हम उतना हमारी बॉडी जो है ग्रो कर जाएगी और ये जो है हमारे लिए जो है सो वो ये स्ट्रेंथ दे देगा और इससे हमारी बॉडी अच्छी ग्रो कर जाएगा, बहुत जल्दी हम जो है सो मतलब इस हिसाब से इस शेप पे ग्रो कर जाएंगे। देखिए अगर आपको एक माइंडसेट रखना है ना कि अगर हमको बॉडी बनानी है और अच्छी फिजिक बनाना है और हमको श्रेडेड होना है, तो देखिए श्रेडेड होना और एक बल्क होना मसल बनाना सारा एक स्ट्रेंथ गेन करना सारा का अपना एक मतलब एक तरीका रहता है। जैसे कि देखिए श्रेडेड आपको बनना है ना तो श्रेडेड बनने के लिए इजी सा तरीका है कि वर्कआउट करना है डेली बेसिस पे करना है, कंसिस्टेंसी रखना है लेकिन वर्कआउट को छोड़ना नहीं है। श्रेडेड बनने का एक सिंपल सा रीज़न, अगर आपको श्रेडेड बनना है तो श्रेडेड बनने के लिए सिंपल सा रीज़न है कि हमको वर्कआउट जो है सो कंसिस्टेंसी रखना है वर्कआउट में। ये नहीं करना है कि हम छोड़ देंगे और जो है सो फिर कभी दो दिन कर लेंगे पाँच दिन तो हमारा बॉडी बन जाएगा या उस हिसाब से हमारा श्रेडेड कि आप कहाँ पे हैं, आपका मसल्स कहाँ पे है और आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे है। श्रेडेड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि कंसिस्टेंसी मतलब कि आप वर्कआउट जो है सो कितने मतलब समय अपना टाइम जो है वर्कआउट को देते हैं। और अगर देखिए अगर आपको मतलब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना तो आप ज़्यादा वर्कआउट बिल्कुल नहीं करें, लेकिन अगर आपको शरीर बनना है तो आपको ज़्यादा वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा क्या करना है आपको कि अपने वर्कआउट का जो है सो मतलब रूटीन के हिसाब से जो है टाइम देना है वर्कआउट पर। अगर आप रूटीन के हिसाब से टाइम देंगे वर्कआउट पर तो आपका जो ग्रोथ होगा ना बहुत अच्छा होगा। बिकॉज क्या होता है कि जो बॉडी का जो ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे मसल्स जो है सो फाइबर जो है ना वो धीरे धीरे ग्रो करता है। यहाँ पे आपका जो मसल्स है ना देखिए सिंपली आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी बॉडी बना रहे हैं कोई वर्कआउट कर रहे हैं अगर अपने आप को श्रेडेड करने के लिए जा रहे हैं तो देखिए एक्चुअली कैसे होता है। अगर हम लोग का जो बॉडी है ना वो एक नेचुरल है, जैसे कि आपने वेट कम किया है या वेट लॉस किया है, आप किसी भी मतलब जो जिसको देखते हैं जिसका बॉडी बहुत ज़्यादा श्रेडेड है बहुत ज़्यादा ह्यूज है तो देखिए कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर हम अपने बॉडी में सप्लीमेंट इंजेक्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है कि अगर हम अपने बॉडी में सप्लीमेंट इंजेक्ट करेंगे तो हमारा बॉडी हमारा मसल्स जो है ग्रो करेगा, हमारा जो है सो स्ट्रक्चर जो है ह्यूज होगा बल्क होगा वेट गेन कर लेगा। लेकिन क्या लगता है कि वो होल्ड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब आप उसको एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट से प्रोटीन को हटाइएगा, थोड़ा सा भी केयरलेसनेस रखिएगा बॉडी में, तो आपका जो प्रीवियस सिचुएशन था आपका बॉडी वहाँ पे शिफ्ट होना शुरू कर जाएगा। बिकॉज काहे ऐसा हो रहा है कि जो एक बॉडी है ना एक जो मसल्स है ना वो एक स्प्रिंग है हमारा जो बॉडी है,
जैसे कि देख रहे हैं आप, जब मतलब उस हिसाब से वो काम करता है कि जैसे अब स्प्रिंग जो है उसको अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर उसको अगर दबा देते हैं तो क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाता है। जब उसको छोड़ते हैं तो फिर वो एनर्जी मतलब वो रिलीज करता है। तो उसी हिसाब से जो है सो हमारा जो मसल्स है उसमें अगर हम लोग वर्जी एनर्जी देते हैं, सप्लीमेंटेशन करते हैं, तो ये क्या करता है कि एक स्ट्रेंथ ग्रो करता है, एक मास गेन कर लेता है। बट अगर आप जो है सो उसमें जो है सो जब भी आप केयरलेसनेस रखिएगा तो वो फिर जाने की कोशिश कहाँ करेगा, जो इसका नेचुरल पोजिशन है, नेचुरल बॉडी का शेप है, नेचुरल जो इसका मतलब नेचर है, वहाँ पर वो जाने की शिफ्ट करेगा। तो आपको ये हमेशा रखना है कि अगर आप किसी पोजीशन पे पहुंचना चाह रहे हैं, अगर वहाँ पे आप पहुँच भी जाइएगा, मसल ग्रो भी कर लीजिएगा सप्लीमेंटेशन के थ्रू, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उसमें मतलब मिस मतलब अगर उसको छोड़िएगा तो आपका बॉडी का जो शेप है ना वो कहीं ना कहीं वहाँ पे शिफ्ट करना चला जाता है। ये एक एक्चुअली फैक्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग जो है सो नेचुरल बॉडी को प्रमोट करने की कोशिश करें, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो है, नेचुरल शेडेड, नेचुरल फिट जो स्ट्रेंथ है उसको हम लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि सप्लीमेंटेशन का। आप सिंपल सा वर्कआउट करना है, सिंपल सा ज्यादा टाइम भी वर्कआउट के लिए नहीं देना। अगर आप 10, 15, 20 मिनट दे रहे हैं दैट इज सफिशियंट फॉर योर टू बिकम श्रेडेड। ऐसा जरूरी नहीं है आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है श्रेडेड होने के लिए। आपको श्रेडेड होने के अभी भी मैं बताया कि श्रेडेड होने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि आप जो है कंसिस्टेंसी रखें वर्कआउट में। अगर आपको 10 पुशअप 15 पुशअप कर रहे हैं डेली तो आप कोशिश रखें कि मैं इसको छोड़ूं नहीं, मैं इसको कंटिन्यूटी रखूं। जब स्वाभाविक है आपको जब वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग सा फील होता है, स्पेशली जब आप पुशअप करते हैं, बिकॉज अगर आप जिम जाइएगा तो वहाँ पर बहुत सारा चीज़ है जो आपको इंगेजिंग एटमोसफियर प्रोवाइड करता है। जिम क्या है कि सिंपल आपको एक इंगेजिंग एटमोसफियर प्रोवाइड करता है, तो उससे क्या होता है कि हम जो है सो जितना टाइम जो है हमको वहाँ पर स्पेंड करने में अच्छा लगता है। कंपेयर टू अगर हम कहीं बाहर हैं तो वहाँ पे आपको वो माहौल क्रिएट करना पड़ता है। अगर आप अपने घर पे हैं तो आपको उस हिसाब से माइंड मेकअप करना पड़ता है, देन हमको वो एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ पे हम जो है वर्कआउट कर पाते हैं। तो हमको जो है ये चीज़ जो है हमको खुद से करना पड़ेगा। अगर हम लोग आउटसाइड जिम है, जैसे मेरे केस में है, मैं जिम नहीं जाता हूँ, तो उसका मेन रीज़न है कि देखिए मुझे बस श्रेडेड रहना है। मुझे कोई जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं कोई नहीं सोचता हूँ कि मुझे आगे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे अपने आप को बस श्रेडेड रहना है, इसीलिए मैं नेचुरल को प्रमोट करता हूँ वो चीज़ें। बिकॉज देखिए टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप नेचुरल प्रोसेस से जाओगे, लेकिन कहीं ना एंड ऑफ द टाइम जो है ना आपको जो है एंड ऑफ द डे ना आपको थोड़ा सा फील होगा अच्छा, और आपके लिए जो एक लाइट एक ग्लो है ना जब आप नेचुरल थ्रू जाओगे तो एक अच्छा दिखता है कंपेयर रिलेटिव कि आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू जाओ। उसमें एक चीज़ और तो बहुत सारा बैड साइड इफेक्ट आता है सप्लीमेंटेशन का। अगर हम सप्लीमेंटेशन तो हमारा जैसे स्किन है ना आपका जो ग्लो कर रहा है ना वो हैम्पर कर जाता है, स्किन का जो ग्लो है ना कम जाएगा, और बहुत ज़्यादा जो है सो आप देखिएगा बहुत सारे लोग को एक्ने आ जाता है। दैट इज ऑल्सो द रीज़न ऑफ सप्लीमेंटेशन। तो सप्लीमेंटेशन में बहुत सारा है, देखिए जरूरी नहीं है सप्लीमेंटेशन करिएगा तो आपको एक्ने हो ही जाएगा या ऐसा चीज़ें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं होता है क्या है कि अगर आप उसमें बहुत सारा उसका एक प्रोसीजर होता है ऑन ऑफ जो सब चीज़ें, मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ ऑनेस्टली सप्लीमेंटेशन का, बट कहीं ना कहीं जो मुझे जानकारी है और जो मुझे जो अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत गेन हुआ है मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ कि सप्लीमेंटेशन है जो कहीं ना कहीं आपको जो है देखिए एक सप्लीमेंटेशन पे मैं आपको सिर्फ एक अपना इंटरेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है ना मैं आपसे वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको श्रेडेड बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि श्रेडेड बनने के लिए, बिकॉज मैं जो है अपने आप को श्रेडेड फील करता हूँ और श्रेडेड मानता हूँ, और मुझे मालूम है कि मैंने जो है सो श्रेडेड होने के लिए क्या सब अप्रोच लिया है। अगर आप जो है सो उस अप्रोच से जाइएगा तो आप जो है एंड ऑफ द डे आप भी जो है श्रेडेड हो ही जाइएगा। तो श्रेडेड होने के लिए सिंपल सा है, बहुत ईजी फॉर्मूला है। और एक चीज़ देखिए, आपको श्रेडेड होना है या बल्क होना है, आप अगर श्रेडेड रहते हैं तो आपको देखिएगा कि ज़्यादा जो है सो फेचिंग फील होता है, अच्छा लुक आता है श्रेडेड में रिलेटिवली कि आप बल्क हैं, तो आपको उस पर ध्यान देना है। अगर आप बल्क हैं, अगर आपको श्रेडेड होने में दिक्कत फील हो रही है तो आप अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ वर्कआउट में। वहाँ पर आप ऐसे वर्कआउट को चूज करिए जो आपका मुझे लगे कि मेरा स्ट्रेंथ है, यहाँ पर मुझे जो है सो किसी को बीट करने में दिक्कत होगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, मैं उस पर काम करूँ। तो अगर आपका शरीर बल्क है, अगर आपको वर्कआउट करने की सोच है तो आप अपने स्ट्रेंथ पे ही काम करें, मतलब जो है अपने स्ट्रेंथ वर्कआउट को ही जो है सो अपना जो है सो स्ट्रॉन्ग होल्ड बना। तो आप इस हिसाब से अपना एक नीच चुन के इसमें अपने आप को काम करना है। तो जो है जैसे मेरे केस में है तो मैं श्रेडेड होने पे पूरा फोकस करता हूँ और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। और जो मैं जिम क्यों छोड़ा, मैं इस वीडियो को कवर पूरे करने, तो मैं जिम छोड़ने का यही रीज़न है कि कोई मतलब नहीं है मुझे जिम जाने का। देखिए अगर मैं वर्कआउट करके घर पे अगर श्रेडेड हो रहा हूँ,
या फिर आप अच्छे से शेडेड हो जा रहे हैं, अगर घर पे हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, तो फिर क्या ज़रूरत है जिम की। तो इसीलिए मैं जो है सो जिम को अवॉइड करता हूँ। और आप भी अगर जिम नहीं जाना चाहते हैं और सिर्फ शेडेड होना चाहते हैं, तो आप जो है सो इस हिसाब से अप्रोच ले सकते हैं। और कैसा डाइट लेना है उस पर भी हम लोग रोज़ बात करेंगे कम्प्लीट की डाइट के लिए क्या सब है। और अभी हम लोग अपने वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं, बाय।